ब्रूटस अगर कहता है तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने रिश्वत ली। तो फिर क्या सजा दी जाए? सजा? हाँ सजा। 15 मार्च याद? उस दिन जस्टिस की खातिर हम सब ने मिलकर सीजर की हत्या की। हमने दुनिया के एक महान इंसान को मारा। क्या वो जस्टिस के खातिर नहीं था? क्या हम अपना मान सम्मान बेच कर रख उन तुच्छ चीजों के लिए जो मुट्ठी में बांध कर रखी जा सकती है? नहीं केशस, नहीं। मैं पागल कुत्ते की तरह जीना ज्यादा पसंद करूंगा ना कि एक रिश्वत को रोमन। मुझे अपनी बातों के जाल में मत फंसा। जानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूं और तुमसे ज्यादा योग्य। चले आओ यहां से। क्यों? मुझसे ज्यादा योग्य नहीं हूं। डस कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद पर काबू ना रख सकूं। ए तुच्छ आदमी, चले जाओ यहां से। माय गॉड, क्या मैं ये सब सुनूं? ये भी और बहुत कुछ भी, जब तक कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। कबाड़ के हाथ जाओ, जाकर अपने नौकरों से कह दो कि तुम पागल और चिड़चिड़े हो गए। कबाड़ यहां तक आ चुकी है। अभी तुम्हें खुद ही लगा कि तुम मुझसे बेहतर सोच रहे हो, तो प्रूफ करके दिखाओ। हमेशा अपने से बेहतर से सीखना ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूं, जबकि तुमसे ज्यादा बेहतर। यदि तुमने कहा भी होता तो उसकी मुझे चिंता नहीं थी केशियस। तुम मुझे जलील कर रहे हो ब्रदर्स। जब तक सीजर जिंदा था उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी। सीजर के सामने तुम्हारी सवाल तक नहीं खुलती थी। ब्रदर्स, मेरे प्यार को फायदा उठा रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं फूक कर बैठूं, मुझे बाद में पछताना पड़े। तुम वो कर चुके हो केशियस, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि ब्रूटस किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसने ईमानदारी की ढाल पहन कर रखी। उन पर इन चलती हुई हवाओं का कोई असर नहीं होता। मैंने तुमसे कुछ पैसा मांगा था ताकि मैं वो अपनी सेना को दे सकूं, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या केशस वैसा मांगता और ब्रूटस मना कर देता? मैंने मना नहीं किया। तुमने किया। किसी बेवकूफ ने आकर तुमसे ऐसा कहा होगा। मैंने मना नहीं किया। और एक दोस्त को दूसरे दोस्त की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन तुम उसे खींच रहे। मैं उसे नजरअंदाज तब करता जब वो तुम मुझ पर लागू करता। दोस्त की आंखें ये सब नहीं देखती। एक चापलूस की आंखें नहीं देख सकती केशस, चाहे वो बुराई ओलंपस से ऊंची ही क्यों ना। ऑक्टेवियस, तुम भी आओ और आकर कैसे उससे बदला लो। कैसे ऐसे उस दुनिया का सबसे बुरा आदमी और वो क्यों जीवित रहे, जबकि उसका सबसे खास दोस्त ब्रूटस उसके लिए ऐसा सोचता है। सॉरी केशियस, मैंने जो कुछ कहा उससे मैं सॉरी। बहुत सारे दुख एक साथ मिले हैं, जानते हो? ओशिया मर गया। ओ, ओशिया, क्या उसे कोई बीमारी थी? नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं। मेरे वहां ना रहने से काफी परेशान रहा कर, और जब उसे पता चला कि एंटनी और ऑक्टेवियस की ताकत बढ़ गई, उसने सुसाइड कर लिया। खैर, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। लुशियस, शराब के प्याले, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? एंटनी और ऑक्टेवियस अपनी सेनाएं लेकर फिलिपी की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने सबसे अधिक सभासदों को मार डाला है। सुना है कि सिसरो मारा गया। केशियस, हमें फिलिपी की ओर तत्काल बढ़ना है। दुश्मन के साथ आम जनता है, इससे पहले आने देना।